अगर उन्होंने पुलिस कॉन्वॉय पर अटैक करके रशीद को छुड़ाने की कोशिश की तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा सर। कमिश्नर रशीद को उस कॉन्वॉय के साथ भेज ही नहीं रहे। That's just a decoy. और रशीद? सब लोग आ गए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। तीनों सर्विसेज के चीफ्स और पुलिस भी। What about Kumar? आ गया वो? Yes sir, he is waiting for you upstairs. Thank you. Yeah, please sit down. Please sit down. Good morning everybody. And allow me to introduce to you Mr. Rajesh Kumar, जो कि हमारे काउंटर टेररिस्ट यूनिट से हैं, और रशीद उमर का केस ये हैंडल कर रहे हैं। Mr. Rajesh Kumar. Please begin. Sir. Gentlemen, Rashid Omar, एक इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप का मास्टरमाइंड, जिसे आज सुबह ही कैद से छुड़ाने की एक नाकाम कोशिश की गई। इस ग्रुप का लीडर कोई अब्दुल्ला नाम का शख्स है, जिसके बारे में हमारे पास कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है। बट दिस मैन रशीद इज द ब्रेन बिहाइंड many of the terrorist activities across the world. London, 300 people killed. Paris, suicide bombing. Bali, attack on the consulate. Really, the list is endless. आप कहें तो encounter करा दें? जी नहीं, इसका जिंदा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसे हमें यह पता लगाना है कि इनके फ्यूचर प्लान्स क्या है, ताकि हम उन्हें फेल कर सकें। जेल में जब भी इसे पूछा जाता है कि ये सब कुछ क्यों करता है, आखिर चाहता क्या है, तो इसका बस एक ही जवाब होता है, वॉच दिस। सही वक्त आने पर अब्दुल्ला सब बता देगा। फिलहाल इतना जान लीजिए कि एक दिन इस पूरी कायनात पर सिर्फ हमारी हुकूमत होगी। हमने आज ही फैसला किया है कि हम इसे बैंगलोर के नार्को एनालिसिस सेल में ले जाएंगे, जहां इसे सच बोलने की दवा दी जाएगी और इसकी ब्रेन मैपिंग भी की जाएगी, जिससे हमें इनके सारे सीक्रेट्स मालूम होंगे। तो फिर प्रॉब्लम क्या है?
सर, प्रॉब्लम ये है कि ये काम आज से 3 दिन बाद होगा और तब तक ये लोग डेफिनेटली कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करेंगे। आज की कोशिश की जाबाजी देखकर ये साफ जाहिर है सर कि इनके पास फंड्स की कमी नहीं है और ये लोग रशीद को छुड़वाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनफैक्ट सर, इनकी अगली कोशिश इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है और शायद कामयाब भी। अरे मैं कहाँ जाऊंगा यार, अरे सुबह से इस विक्की को ढूंढ रहा हूँ। अरे मैंने अभी अभी इंजीनियर साहब को रिमोट एप्रन की तरफ जाते हुए देखा है, वही होगा अपने खटारा प्लेन के पास। अरे मैं रिमोट एप्रन में ही हूँ। उसे कह देना मेरी तरफ से कि 10 साल में वो प्लेन 1 इंच भी नहीं हिला है। ओए आ रहा ना पार्टी पे, मेरे लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लाना। मैं ले आऊंगा मोटे, चल बाय। विक्की, ओ विक्की, इधर। अरे क्या हमेशा यहाँ मरा पड़ा रहता है तू? हाँ मैं कह रहा हूँ इस प्लेन का कुछ नहीं होना, इट्स अ डेड प्लेन। जन्नत हासिल करने के लिए मरना जरूरी होता है, क्या बोलते हैं? जन्नत, यू वेट एंड सी, वन डे आई एम गोना मेक दिस प्लेन फ्लाई। चल रेंज पकड़ा। रेंज? अरे भाई मैं यहाँ का सिक्योरिटी चीफ हूँ और तू मुझे मैकेनिक बना रहा है। ये ले। ये क्या है? इनविटेशन कार्ड। तू फिर से शादी कर रहा है? पागल है क्या? उसके लिए तो मुझे मरना होगा। क्यों? अभी अभी तो तू कह रहा था कि जन्नत हासिल करनी है तो मरना जरूरी है। मेरे को बुला के क्यों अपनी शादी की सालगिरह खराब कर रहा है यार? मैं जानता था तू यही जवाब देगा, पर नीना, वुमेन थिंक दैट दे ऑलवेज राइट, उसने कार्ड के साथ भेज दिया मुझे। अच्छा सुन, तेरी शादी को कितने साल हो गए? 9 साल। तभी यार, तू हैंगर की तरफ जा रहा है? तो जाना यार। अब साले, अच्छा सुन, पार्टी पे आना है तुझे, तैयार रहना, मैं खुद तुझे पिकअप करूंगा। ओके, नो एक्सक्यूजेस, बाय, सी यू। सब ठीक है ना? जी भाई सब ठीक। और क्या है? हाँ जी, हाँ
सलाम। हेलो। हाँ 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 ठीक है भाई। क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? सब खैरियत तो है? अब्दुल्ला का हुक्म है कि मिशन परिंदा एक्टिवेट किया जाए और हमारे पास 3 दिन है। मगर भाई सिर्फ 3 दिन? जानता हूं काम बड़ा मुश्किल है और वक्त बहुत कम है, लेकिन इसे अंजाम तो देना होगा ना भाई। हम पहले ही फैजल, इरफान और मलिक को खो चुके हैं। ताकत के नाम पर वहां हमारे पास सिर्फ शकील और अल्ताफ बाकी है। इस बात से अब्दुल्ला भी वाकिफ है और मैं, अगर ये काम 3 दिन में नहीं हुआ तो बहुत देर हो जाएगी। ऐसा करो, तुम शकील और अल्ताफ से कहो कि हम पहुंचे और जो काम उन्हें कल करना था आज कर दें। जी भाई। जी भाई। Ask your dad. Not allowed. It's legal. Not guys, allowed. Why are you sitting here, yaar? You're so boring, guys. मस्ती करते हैं ना? चलो. पूर्व से फिर problem है. अब क्या किया तूने? मैंने कुछ नहीं किया. Dad की problem. बस. ठीक है यार, मैं किसी और को लेकर चला जाऊँगा यार. मैं अपनी free ticket waste नहीं करने वाला. Please. Bingo. Just kidding, यार. नेहा, तुझे तो problem नहीं होगी. तेरा तो भाई तेरे साथ जा रहा है. पर dad मुझे कभी allow नहीं करेंगे. Idea. तेरे घर पे computer है? अब computer का तेरे घर पे computer है या नहीं? But computer. Yes or no? No. Okay. Now listen to the plan. तेरे को college project खत्म करने के लिए computer चाहिए, right? नेहा के घर पे computer है। तू अपने mom dad को बोल के तू 3 दिन के लिए नेहा के घर पे जा रही है। और जब हम लोग वहाँ पे enjoy कर रहे होंगे, इसके parents को लगेगा इसके घर पे। How's that? Great. Not bad, yeah. All right. Come, let's enjoy. Yo, people in the house, welcome to Blackout. We have a special performance for you tonight. Put your hands together for the beautiful Brazilian bombshell Maria. Tu chaga
कल रात ब्लैकआउट क्लब में जो धमाका हुआ वो महज एक शुरुआत थी, एक ट्रेलर। अगर आप हजरात ने फौरन रशीद उमर को रिहा नहीं किया तो हम आपके मुल्क पर कहर बरसा देंगे। इसीलिए बेहतर होगा आपके मुल्क और उसके बाशिंदों के लिए कि आप हमारी बात मान लें। आप सबका भला चाहने वाला अब्दुल्ला। सर, इन्होंने इस ईमेल की कॉपीज देश के सारे बड़े न्यूज़पेपर्स और लीडिंग न्यूज चैनल्स को भेज दिए। वैसे मिस्टर कुमार, ये ईमेल आए कहां से? Well, sir, it has come from some internet cafe in Kazakhstan. हमारी टीम पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये ईमेल भेजा किसने है। सर, बाहर टीवी और प्रेस रिपोर्टर्स की भीड़ जमा हुई। सब लोग जानना चाहते हैं कि क्या हम रशीद को रिहा करना चाह रहे हैं। रशीद को रिहा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये हमारे उसूल के खिलाफ है। You're right, sir. और मान लीजिए कि हमने उसे छोड़ भी दिया, it might still not be the end of it. Mr. Simon, इस वक्त मीडिया हमारे बहुत काम आ सकती है। सिर्फ उन्हें कह दो कि बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश ना करें। पीपल शुड नॉट पैनिक। एंड वन मोर थिंग मिस सिमोन, टेल देम एवरीथिंग विदाउट टेलिंग देम एनीथिंग। ओके? यस। ओके, दैट्स गुड कुमार। दिस प्लेन इज फॉर प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन। ओके, इसका स्टारबोर्ड विंग, राइट लैंडिंग गियर और पोर्ट विंग की इंस्पेक्शन कर लेना। ऑलराइट सर। और इसका इंजन ऑयल टॉप अप कर देना 2 quarts। ऑलराइट सर। ऑलराइट सर। हेलो बेटी, बटर 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 टू मेक द बटर बटर बटर। बेटी बॉटम बटर बटर बटर। यू लूज यू लूज यू लूज। कैसा है मेरा बेटा? पापा मैं ठीक हूं। अच्छा बताओ, मैंने आपको फोन क्यों किया? हां जरूर, कोई गुड न्यूज़ है? रॉन्ग? यस रॉन्ग। गुड न्यूज़ नहीं, वेरी वेरी गुड न्यूज़। तो फिर जल्दी से बताओ। नहीं बताती, आप गेस करो। करो करो करो। तुम अपनी क्लास में फर्स्ट आई हो। Half right, half wrong. तुम पूरे स्कूल में फंस आई हो। Right. After all, you're my papa. और पापा, मैं इस स्कूल विस्कॉन्सिन के लिए सिलेक्ट हो गई हूँ। और हम परसों अमृतसर जा रहे हैं। और बता है कैसे जा रहे हैं? कैसे? एरोप्लेन से। और टीचर लीसा बता रही थी कि हमारा प्लेन आपके एयरपोर्ट के ऊपर से जाएगा। आप जरूर मुझे वेव करना। बेटा लेकिन इतनी ऊपर से मैं तो क्या पूरा एयरपोर्ट भी दिखाई नहीं देगा। फिर भी आप मुझे वेव करना, मुझे दिख जाएगा। ओके बाय बाय बाय। हां प्रिया प्रिया सुनो बेटा, ज्यादा उछल कूद मत करना फ्लाइट के ऊपर, सीट बेल्ट हमेशा बांधे रखना, और अगर किसी चीज की जरूरत हो। हां पापा मालूम है, आई एम नॉट अ छोटी बेबी, आई एम अ बिग गर्ल नाउ। पापा फिकर मत करो, आई एम अ बिग गर्ल नाउ। ऑफ कोर्स यू आर अ बिग गर्ल नाउ। हां आप अपना ख्याल रखना, खाना गरम करके ही खाना। अच्छा ओके बाय बाय बाय। आई लव यू बेटा, आई लव यू। इस दिस लास्ट मिनट टू द रिलीज ऑफ रशीद। वही एक्शन लिया है जो हमें लेना चाहिए। रशीद का आउटफिट ही इस ब्लास्ट के लिए रिस्पांसिबल है, ये आप लोग जानते हैं। हमें ये पता चल गया है कि ये मेल कहां से भेजी गई है। अब काउंटर टेररिस्ट स्क्वाड ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये लोग कहां से ऑपरेट कर रहे हैं। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, द कल्प्रिट्स विल बी ब्रॉट टू बुक, देयर इज नो रीजन टू पैनिक एंड नो फर्दर कमेंट्स। अभी आपने सुना कि गवर्नमेंट का क्या कहना है। अब हम आपको बम ब्लास्ट की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं ताकि आप स्थिति की गंभीरता को समझ सकें। मैं रूपाली शाह, सी न्यूज। अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये काफी दर्दनाक है, शायद आपके दिल को तकलीफ पहुंचा सकती है। अरे फिलो, हमारा ये फर्ज है कि हम आपको फिलो कराएं। ओ खड़े मेरी पनिश हो चाचा, आखो वक्त ने फिलू 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 करिया करे सर। मैंने मारो पंप अपने, आई कांट फाइंड इट। ऑफ कोर्स यू कांट फाइंड इट। अरे तेरे बाजू वाला मुक्का लो शने। अरे पर चश्मा पेरो तो तेरा देखा है के नहीं? अरे पल, अरे पर चश्मा तो ला लिया। खुदा है कैसी चश्मा ने छाती नहीं ऊपर से तू पेरेज के उतने पेराओ। नहीं हूं पेरी ले बस, आई एम नॉट दैट लेजी। आई नो हां के ददन काम चो कौन मने बटू खबर छ ए मने के जो क्या है तो शर्ट लेवानो के नहीं लेवानो तो मने की समझ पर यार। गोली तारा शर्ट ने मारो मारो पंप आप मारो डम जात नहीं तो तारो कोंगु ठाई तारो कैसी बाजू मारो पंप छ ले मैं आपस तो ले हां ने हूं तने फुसफुस करी आपको के तू करी लेसे। नहीं मने फुसफुस करता आवरेज हूं करी ले बस फुसफुस करता आवरेज आखो वक्त फिलू 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 मस्त फिलू तक फिर भी करेज सोच है मेरे पास सोच है। अरे जल्दी बोलनी फिलू I love you यार। अरे कैसी? Love 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 love। काम नहीं वगैरह भी। Love 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 love। अब्दुल्ला ने खबर दी है कि हर तरफ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इसीलिए हम सब लोगों को अलग-अलग रास्तों से जाना चाहिए। हो सकता है कि हमारे इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए हम में से कुछ लोगों को कुर्बान होना पड़े। इंशाल्लाह। लेकिन मैं वादा करता हूँ,
जिस रोज इस दुनिया पर सिर्फ हमारी हुकूमत होगी, हर शहीद का नाम सुनहरे हर्फों में लिखा जाएगा। हम तारीख लिखने जा रहे हैं, कामयाबी हमारी राह देख रही है। अल्लाह निगेबान, नारा तकबीर, अल्लाह हू अकबर, नारा तकबीर, अल्लाह हू अकबर। Hey gorgeous, look who's here. Hi. राजी, कितनी देर लगा दी आने में? मैंने कहा था ना ये नहीं आने वाला। कैसे हो रही? मैं तो हमेशा करता हूँ, women always right. Yeah, yeah. Come with me, I'll introduce you to everyone. Guys, meet Vikram. That's Captain Sharma. Hi. Hello. That's Ria. Hello. Hi. That's Captain Rakesh. Hi. How are you doing? And that's Natasha. Hello. Nice to meet Hello. you. I'm telling you, no, वो ऐसा ही है। अरे, अरे, मतलब ये, हाँ, 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 आया, आया, वन्ना, या। Strange. मैं जब भी यहाँ आता हूँ, यहाँ की सबसे खूबसूरत लड़की आके मेरे साथ बैठ जाती है। Excuse me? नहीं? आप यहाँ आकर बैठे हैं, मैं यहाँ पहले से बैठी हुई हूँ। क्या हो रहा है यार, आजकल पहले से आकर बैठ जाती है। Did you know that I was going to come and sit here? क्या आप हर लड़की के साथ ऐसे कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं? Just with a special one. लेकिन अभी तो आपने कहा कि आप जब भी यहाँ आते हैं, यहाँ की सारी खूबसूरत लड़कियाँ आपके पास आके बैठ जाती हैं। Actually, you know what? You just got me. I did. But I guess that's what makes you the special one. Vikram. Pooja. जल्दी में है। Yeah, I'm already late. Somebody's waiting for me. It's not good to keep your husband waiting. And whoever told you I'm married? Well, husband, boyfriend, whatever. You never give up, do you? Never. Can I call you? Yes. Number. इस पल में है ऐसा नशा, ये पल यहीं थम जाएगा, महसूस जो मुझको हुआ, क्या तुझको भी तेरी
ऐसा क्यों है यार, मैं हूँ बेकरार, क्या यही है प्यार, ये बताओ ना मेरे ख्याल, पूछे सवाल, ऐसा क्यों है हाल, ये बताओ।
जिंदगी अब तेरे साए में चल रहा तेरी राहों में मुस्कुरा के साथ मेरे रहना मेरी बाहों में साथ साथ चल आज है long day ahead, huh? Let's go. One, two, three, and four. क्या कर रहा है यार? एयरपोर्ट है? हाँ तो टिकट ही है ना? हाँ तो पूरा एयरपोर्ट खरीद ले तूने? तो तू उधर जाके खड़ा हो जाए. You're a good girl, na, Priya. Please stop behaving like this. You can wait to your papa later. Other passengers are waiting. Hello, young lady. Kya hua? Why are you so sad? They're not giving me a window seat. I have to wait to my papa. Main tumhari flight mein hu. Main tumhe window seat de dungi, okay? Promise? Promise. Pakka promise? Pakka promise. साहब आप हमारा ख्याल रखेंगे, हम आपका ख्याल नहीं रखेंगे क्या? अरे आप चिंता मत करिए, हम आपका फाइल जो है ऊपर तक पहुंचा देंगे. Congratulations, ma'am. Going on your honeymoon? Mm-hmm. Coming from the honeymoon. Back to the grind of everyday life. How boring. Life is what you make of it, sir. Exactly. मैं भी तेरे ये कहती हूँ. हम चाहे तो हमारी पूरी जिंदगी हनीमून हो सकती है. There you go, sir. Thank you. Sir, you're a lucky man to have such a wonderful wife. On this side. Completely agree with you. Come. Thank you. Excuse me, ma'am. We are also back from our honeymoon. Who cares? Chuttu sachu boliya kare. I love you, darling. Hey, lekin ek baat bata, wahan beer milegi na yaar? Sab milega yaar. Gaon mein thodi na ja rahe. Stupid question. बात कर लेना, क्यों वर कर रही है? Hey guys, where's Neetu now? I've tried her number, yeah, I don't know. Every time she has to come. Yay! Wow, wow! You made it, yeah. I know, yeah. Finally, हम लोग जा रहे हैं. Yes, yes. Don't ask, पर डैड को मैंने कैसे भी convince कर दिया? Yay! Hey, देखा? Last में मेरा idea काम आया ना? Say thanks to me. No, say thanks to God. अच्छा हुआ पापा को ये नहीं पता चला कि हम जिस डिस्को में थे वही बॉम्ब ब्लास्ट हुआ. इसके डैड के डिटेक्टिव यार कोई भी विश्वास आते तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मेरे डैड के साथ? व्हाई डू यू कीप पिकिंग ऑन माय फादर? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? प्लीज कम ऑन, जस्ट चिल यार. एटलीस्ट हम लोग जा रहे हैं ना. दैट्स इनफ. नो गाइस, आई एम सो एक्साइटेड. जस्ट इमेजिन यू एंड मी ऑल ओवर. डैडी माइन कम बैक. यहां नहीं, ओके? मेरी गर्लफ्रेंड है यार. चलो 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 चल यार.
ओके मुझे बहुत डर लग रहा है क्या डर लग रहा है अगर पापा को पता चल गया तो यू नो ना बिंगो के प्लान्स फूल प्रूफ होते हैं राइट फूल प्रूफ नहीं तुम्हारे फूल होने का प्रूफ होते हैं Come on, hurry up. Listen, yes, I want to tell you one thing. I want a veg meal, yeah, sure, okay? Sir. Because the last time when I was traveling in your airline, I couldn't get a veg meal. And if I don't get it this time, this will be the last time I'll be traveling with you people. Yes, sir. You can see who I am. Kuch spicy milega kya? नहीं देता है क्या पिटेगा पिटेगा जी पिटेगा पुरु पुरु फाइनली आई वाज स्केर्ड लेट अस फ्लाई जी वो अपार्टमेंट के लिए बोल रहे हैं कुर्सी कौन सा कुर्सी यहां पर द विंडो सीट इधर चल अरे व्हाट यू गाइस कम कम कभी नहीं सुधरोगे ए, हमरे लिए जरा आंटा जूस मुझे भी ए, पांडे जी जी कितना बैलेंस लिखाना है जी वो अच्छी वो टेली हुआ अरे सो व्हाट एम आई डूइंग नो नो ये मैंने विंडो से जोया जा डाले ए कैसी तू हजन बच्चों तो बच्चों ड्राइव क्यों चाह के ओके नाउ दैट्स कम नाउ सिट डाउन सिट लेट मी पुट योर नर्वस या माय फर्स्ट फ्लाइट मैन रिलैक्स या द फर्स्ट फ्लाइट इज ऑलवेज अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस जिंदगी भर याद रहता है मेरी फर्स्ट फ्लाइट में मैं तो इतनी नर्वस थी कि सारा खाना एक पैसेंजर पर गिरा दिया था आर यू सीरियस देन व्हाट हैपेंड इट्स अ लॉन्ग स्टोरी आई टेल यू पास मी टू फ्रूटीज नाउ सीजे 1422 टावर रेडी फॉर टेक ऑफ एक्सक्यूज मी थैंक यू हैव यू गॉट एनी जूस या वी डू हैव जूस पाइनएप्पल और ऑरेंज या आई जस्ट ऑल्टीट्यूड सेट टू 30,000 फीट Yes, sir. How can I help you? Calm down, everyone. अगर आप सब लोग मेरी बात मानेंगे तो किसी को कुछ नहीं होगा ये प्लेन अब हमारे कब्जे में है आप लोग एक एक करके इकोनॉमिक क्लास में चले जाइए Come on, move, move fast, move.
Move fast. Come on. Excuse me. Is this a joke? I said move. Listen, I paid for business class and you want me to go and sit in economy? What is this stupidity? Shut up. I said move. Listen. Move. Listen, do you know who you are talking to? Do you know who I am? I am a CEO of... This is a joke. Laugh. आप में से किन लोगों को यहां बैठना है? से बात करके दरवाजा खुलवाओ जल्दी, दरवाजा खुलवाओ जल्दी। ये चल नहीं रहा। मैंने कहा दरवाजा खुलवाओ। ओके ओके। एक मिनट, अंदर बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, नॉर्मल। Good morning, Captain. Sarika. I've brought your tea, sir. Can I come in the cockpit? Thank you, Sarika. You can come inside. Is flight ka captain kaun hai? I am. Maine kaha is flight ka captain kaun hai? Aap hai, sir. अब जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, अगर जरा सी भी गफलत की तो। नो सर, आई मीन यस सर। इस फ्लाइट को दुबई ले चलो। सॉरी सर, आई डोंट हैव ऑथराइजेशन। अगर तुम इस फ्लाइट को दुबई नहीं ले जा सकते तो हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। नहीं नहीं सर, नहीं, आप जहां कहेंगे मैं इस फ्लाइट को वहीं ले जाऊंगा। प्लीज सर, प्लीज प्लीज। गुड सर, मैं कह रहा था कि दुबई तक जाने के लिए हमारे पास फ्यूल नहीं है। नॉट इनफ फ्यूल सर। सबसे नजदीक एयरपोर्ट कौन सा है? चंडीगढ़ सर। इजी डे गाइस, सिर्फ दो ही फ्लाइट्स हैं। दिस इज CJ142, रिक्वेस्ट परमिशन टू लैंड एट योर एयरपोर्ट। दिस इज फ्लाइट CJ142, रिक्वेस्ट परमिशन टू लैंड एट योर एयरपोर्ट। This is CJ142. Just hold this. Request permission to land at your airport. Negative, CJ142. You're not scheduled to land here. Sir. मेरी बात गौर से सुनो। ये प्लेन अब हमारे कब्जे में है और हम आपके एयरपोर्ट पे लैंड करना चाहते हैं। अगर 10 मिनट में हमें लैंड करने की इजाजत नहीं मिली तो हम इस फ्लाइट के पैसेंजर्स को मारना शुरू कर देंगे। What rubbish is this? Is this some kind of a joke? Request authenticate user identity. I repeat, request authenticate user identity. मैं पायलट से बात करना चाहता हूँ। Come on.
Speak to him. ये ठीक कह रहे हैं सर. We have a hijack situation on board, sir. ये already कुछ लोग पहुंच चुके हैं कैप्टन सिंह को भी सर. Please do as they say, sir. Please. नहीं तो ये लोग. और एक बात. हमें कुछ फ्यूल की जरूरत पड़ेगी. तो हमारी टैंक्स फुल करने का भी इंतजाम कर दीजिए. वरना बेकार में फ्यूल की जगह खून खर्च करना पड़ जाएगा. और मुझे खून बहाना बिल्कुल पसंद नहीं है. 10 minutes. And we'll talk again. Hello? Hello, CJ-142, come in. Do you read me? CJ-142? CJ-142, come in. God damn it! Shucks! This is ridiculous. Put the airport on red alert. Yes, sir. Kuljeet? Yes, sir. Get me Rajiv on the line immediately. Okay. Karan? Yes, sir. Delhi contact karo jaldi. Clear runway 15 for landing and docking. Divert traffic to 19. And fire brigade. Keep the fire brigade on standby. Get me the police commissioner on line 2. Yes, sir. What happened about Rajiv, yaar? Make it quick! Sir, Rajiv online. Thanks. Rajiv. Go for Rajiv. मेरी बात ध्यान से सुनो. Flight CJ-142 hijack हो चुकी है. और वो हमारे एयरपोर्ट पर लैंड करना चाहते हैं refueling के लिए. You get that? Sir. Yeah. So be ready and stand by for my orders. Okay. Oh my God. Sir, कौन सी flight number बताई आपने? Flight CJ-142 Delhi to अरे यार, कोई सी भी flight हो उससे क्या फर्क पड़ता है राजीव? The point is that the flight has been hijacked. Now stand by for my orders and report when you're in location. Out. Joseph, get ready for an emergency landing. Sir, engine failure? It's not an engine failure, it's a forced landing. Sir. Ambulance and fire brigade on standby. Okay, sir. Hey! Kahan ja rahe? Vicky, there's been a hijack. Hijack? Which flight? CJ-142. Rane, come in. Come in, Rane. Which flight? CJ-142, Delhi to Amritsar. Rane? Rane, meri baat suno. Yes, sir. Sab kuch tayar hona chahiye. Do you understand? Yes, sir. Kya hua? Priya's flight mein. Oh, no. अभी अभी ATC वालों ने खबर दी है कि वो फ्लाइट हमारे एयरपोर्ट पर लैंड हो रही है रिफ्यूलिंग के लिए. राजीव, कम इन राजीव. हाँ सर. राजीव, रिपोर्ट टू सिक्योरिटी कैबिन इमीडिएटली. सो ऑन द वे सैया. आई एम देयर सैया. विकी, तू यहीं रुक. मैं अभी सिक्योरिटी कैबिन में जाकर आता हूँ. Let's go. I'm a fuel status dete rahe. Monitor altitude of aircraft. Get me the passenger list. And get me the head office on line 2. Quick. Excuse me, sir. क्या बात है? देख नहीं सकते कि मैं busy हूँ. तुमसे बात करने का भी मेरे पास वक्त नहीं है. समझे? I don't think you understand कि हमारे पास क्या problem है. Sir, मुझे पता है. मैं इतना कहने के लिए आया हूँ. हो सकता है मैं कोई मदद कर सकूँ. Vikram, it's not a technical problem. We have a hijack situation on hand. No, sir. मैं सिर्फ इतना कहने के लिए आया हूँ कि हमें situation को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, sir. हमें commandos को बुलाना चाहिए ताकि उन terrorists को perfect बहाना मिल जाए हमारे passengers को मारने का. मुझे मेरा काम करने दो, okay? Now get out of here. What happened to the head office? Connecting, sir. Hello?
हेलो राजेश कुमार हियर। गुड आफ्टरनून सर, मैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट से एटीसी चीफ अमरिंदर सिंह बोल रहा हूँ सर। वी हैव एन इमरजेंसी, फ्लाइट सीजे 142 हैज बीन हाईजैक सर, और वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे लैंड करना चाहते हैं रिफ्यूलिंग के लिए। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन वेरीफाइड? अफर्मेटिव सर, मैं को पायलट से बात कर चुका हूँ और एक हाईजैकर से भी बात की है, हमने कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर लिया, वो पायलट ऑलरेडी मार चुके हैं, टाइम बहुत कम है। आप बताइए व्हाट आर ऑर्डर्स फॉर मी सर। ओके फाइन, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल गेट बैक टू यू, एंड लिसन, जस्ट स्टे बाय द फोन। सर हेलो, हेलो सर, वी डोंट, हेलो एक को भेज दो। बूम सर, आई एम सॉरी सर। चल सॉरी सर, चल ना सर, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी सर, मैं तो कहता हूँ उतर नहीं ना दो इन्हें, हवा में कब तक मंडराते रहेंगे? फ्यूल खत्म होते होते ही अकल ठिकाने आ जाएगी इनकी, और जब खुद की मौत सामने नजर आएगी तो मौत से नहीं डरते ये लोग, फिदाइन है ये, कफन लेकर अपने साथ चलते हैं। Give me the update on the fuel status, quick. ऐसा लगता है आप लोगों ने मेरी बातों की तरफ तवज्जो नहीं दी, वरना अब तक कॉल आ जाना चाहिए था। नहीं सर, मैं आपको अभी कॉल करने वाला था, वो मैंने दिल्ली में अपने सीनियर से बात कर ली और वो मिनिस्ट्री से बात कर रहे हैं सर। आप लोग बातों में बहुत ज्यादा वक्त जाया करते हैं, ये भी नहीं सोचते कि बातों बातों में बात बिगड़ भी सकती है। नहीं देखिए सर, आप हमें सिर्फ थोड़ा सा वक्त और दीजिए प्लीज। मैं अपनी जबान का पक्का हूं जनाब, मैंने आपसे कहा था अगर 10 मिनट में मुझे हाँ में जवाब नहीं मिला तो अगली कैजुअलिटी के जिम्मेदार आप होंगे। नहीं प्लीज, देखिए आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए, मैं आई एम जस्ट डूइंग माय ड्यूटी। आप, मैं तो समझ रहा हूँ लेकिन आपके सीनियर से नहीं समझ। नहीं सर, आप मेरी बात, अब आपके पास 10 मिनट और है। उतरने दीजिए प्लेन को चंडीगढ़ में, एक बार वो जमीन पर आ गए तो हमें उनसे बातचीत करने में आसानी होगी, हम कुछ काबिल लोगों की टीम को उनसे नेगोशिएट करने के लिए भेज सकते हैं। आई एग्री, एक बार जमीन पर उतर जाएंगे तो कम से कम और जाने तो नहीं जाएगी। लेट देम लैंड एंड रिफ्यूल, बट वी मस्ट नॉट लेट देम टेक ऑफ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी बात मान ली, वरना न जाने और कितने लोगों का खून बहाना पड़ता। और हाँ, अगर मुझे एयरपोर्ट पर कहीं भी कोई कमांडोज या कोई स्नाइपर्स नजर आए तो। नहीं सर, हमने कोई कमांडोज या सिक्योरिटी नहीं बुलाई है, आप मेरा यकीन कीजिए। गुड, अब इसी एफिशिएंसी के साथ हमारी रिफ्यूलिंग भी करवा दीजिए। जी वो ऑलरेडी स्टैंड बाय पे हैं, मैं उन्हें अभी रवाना कर देता हूँ। गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। आपकी इस कोऑपरेशन के बदले मैं आपको जबान देता हूं कि जैसे ही हमारे टैंक्स फुल हो जाएंगे मैं आपके कुछ पैसेंजर्स को रिहा कर दूंगा, और मैं अपनी जबान का पक्का हूं। थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम।
कैसे कैसे पिलो खलास थे क्या? ओ गॉड, उसका भी यही टाइम पे खलास होने का था क्या? तू फिकर ना कर डालिंग, तू फिकर ना कर। हाँ, मेरा बेग नया है ना, वो मैं निकाल के रखती हूँ। प्लीज बैठ जाओ। अरे प्लीज प्लीज एक मिनट हाँ, मुझे पंप निकालने दीजिए। यार से सुनाई नहीं देता क्या? I said please sit down. अरे तुझे दिखाई नहीं देता, वो बेचारा डम नहीं ले सकता है। मैं नया पंप नहीं दूंगी तो वो मर जाएगा। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम मर जाओगी। Is that clear to you? Please बेटा, दिखा please. Shut up. Otherwise what? हाँ, मुझे मार डालने का है, गोली मारने का है, जान ले ले मेरा, मैं निकाल के रहूंगी, कोई मुझे रोक नहीं सकता, समझा क्या? कुछ भी कर ले। कैसी? अगली बार सीट से हिली तो मार डालूंगा। सर सर, अरे कहाँ सर सर चिल्लाता है बे? देखता नहीं है सर के ऊपर में बंदूक के तनी है? चुपचाप बैठे रहो। सर कैसे चुपचाप बैठा रहूं? यही तो सुनहरा मौका है फायदा उठाने के लिए, समझ रहे ना? क्या बकवास कर रहा है बे? लगता है सिचुएशन में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया पांडे, यहाँ जान का पड़ा है और तुम इसे सुनहरे मौका बोल रहा है बे? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ सर, यही वक्त है, इस सिचुएशन को संभालने की कोशिश कीजिए, थोड़ी हिम्मत दिखाइए। तो क्या क्यों ना चाहता है? इलेक्शन सर पे हैं, थोड़ी हिम्मत दिखाएंगे ना तो बहुत कुछ हो सकता है, समझ रहे हैं ना? देखते हैं मौका। देखिए मौका और लगाइए चौका। ये क्या किया है? आपने मुझसे वादा किया था कि आप कुछ पैसेंजर्स को रिलीज कर देंगे। कर तो दिया, मैंने वादा किया था कि मैं कुछ पैसेंजर्स को रिहा कर दूंगा, तो पूरा कर दिया। अब चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा। आखिर आप चाहते क्या हैं? आप इन मासूमों को क्यों मार रहे हैं, मुझे बताइए आप। पेशेंस माय फ्रेंड, पेशेंस। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तक तुमने मिनिस्ट्री वालों को भी ऑनलाइन कर दिया होगा, ताकि मुझे एक ही बात को बार बार दोहराना ना पड़े। हाँ हाँ, हम लाइन पर हैं। We can hear you, loud and clear. ये तो कोई नई आवाज है। क्या मैं जान सकता हूँ कि कौन सा बोल रहे हैं? मैं काउंटर टेररिस्ट यूनिट से राजेश कुमार बोल रहा हूँ। काउंटर टेररिस्ट यूनिट? मगर हम टेररिस्ट नहीं है, वी आर जस्ट प्लेन एंड सिंपल बिजनेसमैन। और आपके फायदे का सौदा लाए। साफ साफ क्यों नहीं कहते, तुम चाहते क्या हो? पिछले 3 महीनों से आपने हमारे बड़े भाई रशीद उमर को अपना मेहमान बना के रखा हुआ है, आप उन्हें हमारे पास भेज दीजिए, हम उन्हें अपने घर ले जाएंगे, बस इतनी सी बात है। देखो रशीद एक आतंकवादी है, उसे छोड़ना मेरे हाथ में नहीं है। तो जिसके हाथ में है उससे कहो मैं ठीक आधे घंटे के बाद फोन करूंगा आप लोगों की हाँ सुनने के लिए। Oh, come on, this is ridiculous. I have to talk to my superiors. Give me some more time. टाइम तो आप जितना चाहे ले लीजिए, काफी पैसेंजर्स है हमारे पास, लेकिन याद रहे हर आधे घंटे में एक पैसेंजर कम होता जाएगा। Shit.
कौन सी सीट? 50 नहीं, तुम चुप हो, यहां से चली जाओ प्लीज। प्लीज आई नीड टू हेल्प। सुनो मेरी बात, तुम समझ नहीं रही हो, मैं यहां पे तुम लोगों की मदद करने के लिए आया हूं। डोंट वेस्ट टाइम, जस्ट डू इट। ये लोग बहुत खतरनाक है, आई होप यू नो व्हाट यू आर डूइंग। कम ऑन। जिनसे हम इस पूरे मुद्दे पर बात करने वाले हैं। बगैर कोई यहां से नहीं हिलेगा। तू क्यों हिला? क्या कर रहा था? बोल बोल। तुम लोग देखना चाहते हो जो मेरी बात नहीं मानेगा मैं उसके साथ क्या करता हूं? मैं क्यों चिल्ला रहा हूं? शूट है। नहीं मैं 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 तो बाथरूम जा रहा था। प्लीज गेट आउट यू बास्टर्ड। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं 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 मैं तो सिर्फ बाथरूम जा रहा था। मैंने क्या किया? प्लीज मुझे मुझे गोली मत मारो। प्लीज आई एम सॉरी। प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। एक्सक्यूज मी सर, सर हमारा नाम उमा शंकर तिवारी है और हम ऑपोजिशन के बहुत बड़े सीनियर नेता हैं। कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? देखिए सर, आपका जो भी डिमांड है उसको पूरा करवाने के लिए हम आपकी मदद कर सकता हूँ। अरे आप इतना करिए कि ये जो गवर्नमेंट के लोग हैं उनसे हमारा बात करवा दीजिए और सर हम उनको यकीन दिलवा देंगे सर कि आपका बात मानने में ही हम सबका भला ही है सर। अच्छा, इतना यकीन है खुद पर? हाँ सर, आप एक मौका देकर तो देखिए, ये कमाल कर सकते हैं। ठीक है चलो। ये साजिद अभी तक आए क्यों नहीं? जाओ देखो। जी उसे पता चला हम सबको मार देगा, हम सबको मार देगा। सारा सारा गेट अ ग्रिप ऑन योरसेल्फ, संभालो अपने आप को। क्या किया तुमने? इसे मार दिया, हम सबको मार देगा। सारा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, मैं स्कूल के नीचे जा रहा हूँ और तुम आगे जाओ। सब सच बता दो, उन्हें कह दो कि मैंने इसे मार दिया है और इसकी लाश लेके नीचे गया हूं। नहीं प्लीज प्लीज डोंट मेक मी डू दिस। सीट नंबर 12 जी में मेरी बेटी बैठी है प्रिया, तुम जाके उसको बोलो कि
मैं जिंदा हूं, उसको जाके बोलो कि उसके पापा ठीक है, प्लीज कम गो एट टू इट जस्ट लाइक नॉर्मल नॉर्मल हाउ कैन आई नॉर्मल आई एम स्केर्ड बट दैट्स ओके इन दिस सिचुएशन दैट्स नॉर्मल. लगता है आप लोगों को मेरी बात समझ नहीं आई, या फिर मैं आप लोगों को समझा नहीं पाया, इसलिए इस बार आप ही की जबान में बात करने वाले को साथ लेकर आया हूं. हेलो, हाँ होम मिनिस्टर साहब. देखिए हम उमा शंकर तिवारी बोल रहे हैं. देखिए इन लोगों के पास में बंदूकें हैं, और अगर आपने इन लोगों की बात नहीं ना मानी तो ये लोगों को मारना शुरू कर देंगे, और अगर ऐसा हुआ ना तो हम पार्लियामेंट में ऐसा बवाल मचा देंगे कि आपको संभालना भारी पड़ जाएगा. आपको याद है ना हम ओपोजिशन में बैठे हैं, आपका कंडीशन खराब कर देंगे हम. हाँ तिवारी जी, आप इतने बड़े नेता होकर इन आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं? अरे भाई हम इन लोगों का साथ नहीं दे रहे हैं, हम तो प्लेन में सवार लोगों का साथ दे रहे हैं और उनकी फैमिलीज और उनके परिवार का साथ दे रहे हैं, समझे कि नहीं? तिवारी जी, आप जानते हैं रशीद एक टेररिस्ट है, उसे कैसे छोड़ सकते हैं हम? ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है. बहुत अच्छे हाँ होम मिनिस्टर साहब, वहाँ एयर कंडीशन कमरे में बैठकर हमसे पॉलिसी का गेम खेलिएगा, हमको बताइएगा कि दूध में कितना नींबू डालेगा तो पनीर बनेगा, हमको राजनीति का पाठ सिखाइएगा. हम यहाँ हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे हैं, ये एक बड़ा ही अहम मसला है जिसे सुलझाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं. उनसे कहिए थोड़ा वक्त और दे और कोई जल्दबाजी न करे. देखिए भाई साहब, वो कह रहे हैं कि सुना मैंने, आप क्या कहते हैं? देखिए भाई, हम आपको कहते हैं कि आप उनको वक्त दे दीजिए, समझे नहीं? आपका बात तो इनको मानना ही पड़ेगा, पर थोड़ा वक्त दे दीजिए और जो पूरा गेम है वो आपके हाथ में है, समझे? अब आप लोगों के पास सिर्फ आधा घंटा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हर आधे घंटे में बड़े ही ढीठ किस्म के लोग हैं इस मुल्क के, ढीठ और बेवकूफ. रशीद भाई को छोड़ने के लिए मना कर रहे हैं क्या? मना तो ये क्या करेंगे, मगर हाँ भी तो नहीं कर रहे हैं, बस बहसबाजी कर रहे हैं और वक्त हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं. एक छोटा सा फैसला नहीं कर पा रहे हैं ये लोग. भाई मैं तो कहता हूँ 8-10 को एक साथ मार देते हैं, बात समझ में आ जाएगी उनके. रिया, पा, रिया सुनो, पानी. ये अगर यहाँ है तो साजिद कहाँ है? प्रिया तुम्हारे पापा ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है. प्रिया प्रिया वो हम सबको बचा लेंगे. प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस. कहाँ है वो दोनों? हाँ मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ हूँ. सब पता है तुझे, जल्दी बता कहाँ है वो दोनों. मैंने कहा ना मुझे नहीं पता. सीधी तरह बताती है तू, एक मारो मारो मुझे, और कर भी क्या सकते हो तुम, हम सबको मार डालो, लेकिन वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा. उसे भी मार दिया उसने और नीचे ले गया है कार्गो होल्ड में. हिम्मत है तो जाओ जाओ, जाके देखो उसे, तुम सबको मार देगा वो. अल्ताफ ये क्या जाएगा नीचे, यू नीड गट्स टू गो डाउन. रुको, इसे भी साथ ले जाओ. चल 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 सीधी कर, ये गोली से गोली से खोल, चल खोल. मैं
अगर उनकी धमकी से डर के हमने रशीद को छोड़ दिया तो यह हमारी बहुत बड़ी गलती होगी। एक बार, सिर्फ एक बार उनके डिमांड्स एक्सेप्ट कर लिए तो एक प्रेसिडेंट बन जाएगा, हर कैदी के साथ ही ऐसा करने लगेंगे। ऐसे में तो हमें आतंकवादियों को पकड़ा छोड़ देना चाहिए। वहां लोगों की जाने खतरे में है, अगर हमने जानते हुए भी उन्हें मरने दिया तो पब्लिक हमें कभी माफ नहीं करेगी। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि हम रशीद को छोड़ दें? इसमें हर्ज ही क्या मिस्टर कुमार, ऐसा तो है ही नहीं कि इकलौते रशीद को कैद में रखने से तमाम आतंकवाद बंद हो जाएगा। तो फिर हमारा डिपार्टमेंट बंद कर दीजिए। अरे अगर ऐसे छोड़ना है तो फिर हमारे ऑफिसर्स की अपनी जान की बाजी लगाएं, उन्हें पकड़ लें। कुमार प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है। तो सर फिर हम क्या करें, हार मान लें क्या? बात हार जीत की नहीं है, बात उन लोगों को वापस घर लाने की है जिंदा। को देखते हुए समझदारी इसी में है कि हम इनकी बात मान लें, आगे निकट भविष्य में हम इसे फिर पकड़ लेंगे। इस बार पकड़ा है, फिर पकड़ेंगे। ठीक है सर, जैसा आप ठीक समझे, बट सिर्फ फॉर द रिकॉर्ड में फिर इनफ मिस्टर कुमार। हाँ अल्ताफ, ये लड़के ठीक कह रहे थे, उस काफिर ने साजिद को मार डाला। जिंदा मत छोड़ना उसे। हाँ भाई, साजिद मेरा भाई था। मैं जानता हूं भाई, अब वो काफिर नहीं बचेगा। चल अनाउंस कर दीजिए कि अपने लोगों को बचाने के लिए हम रशीद को रिहा कर रहे हैं। आवर फर्स्ट ड्यूटी इज टुवर्ड्स द सेफ्टी ऑफ आवर ओन सिटीजंस। उठा और उसको बोल कि तूने मुझे मार दिया है। बोल 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 उसको। भाई अल्ताफ, वो लोग रशीद भाई को रिहा करने के लिए मान गए हैं। भाई मैंने उन दोनों को मार दिया और लाशों को ठिकाने लगा के आ रहा हूं। और भाई साजिद, साजिद का क्या करे भाई?
उसे ऊपर ले आओ, उसे साथ ले जाएंगे। साजिद को मैं ऊपर ला। सायरा, तुम्हें वापस ऊपर जाना होगा। वहां पे 3 टेररिस्ट और हैं, उनमें से 1 कॉकपिट में है, 2 इकोनॉमी में है। तुम्हें वापस ऊपर जाना होगा और मेरी मदद। स्टॉप इट! मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। तुम हो कौन? सायरा, मैं इस एयरपोर्ट का मेंटेनेंस चीफ हूं। मैं इस प्लेन के बारे में सब कुछ जानता हूं। मेंटेनेंस चीफ? दिस इज नॉट अ ब्लडी मेंटेनेंस प्रॉब्लम। ये लोग टेररिस्ट है, ये एक हाईजैक सिचुएशन है। डू यू इवन नो व्हाट अ ब्लडी हाईजैक इज? Do you even know what a hijack means? Sayara, I am Vikramata, pilot of IB-214. Vikramadhan. IB-214. Rishvib. Yeah. लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मेंटेनेंस। उस दिन के बाद कैप्टन विक्रम मदान, यू हैव वायलेटेड द रूल्स ऑफ एविएशन बाय ओपनिंग द कॉकपिट डोर इन द इवेंट ऑफ अ हाईजैक सिचुएशन। जब तक इंक्वायरी का फैसला नहीं हो जाता, द डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन कैंसल्स ऑल योर फ्लाइंग लाइसेंसेस विद इमीडिएट इफेक्ट। मैं अपने आप को आज तक ये जवाब नहीं दे पाया कि उस दिन जो मैंने फैसला किया था वो सही था या गलत। पता नहीं क्यों जिंदगी ने आज मुझे उसी मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है। बस पता है तो सिर्फ इतना कि प्रिया, मेरी बेटी, जो कल मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी, आज मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। मैं प्रिया को कुछ नहीं होने दूंगा। आप तमाम हजरात को यह जानकर खुशी होगी कि आपकी सरकार ने हमारी डिमांड कबूल कर ली है। हमारी इस जीत को कामयाब करने के लिए आप लोगों ने जो हमारा साथ दिया है उसके लिए मैं तहदिल से शुक्र अदा करता हूँ। हमारी आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। जैसे ही हमारे भाई यहाँ पहुँच जाएंगे, हम आप तमाम लोगों को रिहा कर देंगे। एक्सक्यूज मी, प्लीज प्लीज एक्सक्यूज मी। प्लीज सामी सर, अब जब आपकी मांगें पूरी होने जा रही हैं और जब तक आपका भाई यहाँ पर आ जाता है, तो कम से कम लेडीज और बच्चों को यहाँ से जाने दीजिए। आप जाना चाहते हैं? ऑफ कोर्स सर, मैं ही नहीं, हम सब जाना चाहते हैं। ठीक है, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज क्लैप फॉर दिस मैन, क्योंकि इन्हें हम सबसे पहले रिलीज करने जा रहे हैं। ए शकील, पीछे से छोड़ दे इनको। किमी को? यस। कांग्रेट्स। थैंक्स। क्या होगा कल, कैसे होंगे
आने वाले पल कोई ना जाने क्या होगा कल कैसे होंगे आने वाले पल डूबा सवेरा हो छाया अंधेरा हो मौला दिखा दे रास्ता गम का ये साया हो खुशियों पे छाया कैसे होंगे आने वाले पल कोई ना जाने क्या होगा कल कैसे होंगे आने वाले पल डूबा सवेरा हो छाया अंधेरा हो मौला दिखा दे रास्ता गम का खुशियों पे छाया हो मौला दिखा दे जाने दो इसे पहले आप क्यों अब तो आप आजाद हैं अब किस बात का डर 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 तो हमें कभी लगा ही नहीं है कुमार साहब लेकिन जब दांव पर जिंदगी लगी हो ना तो एहतियात तो बरतना ही पड़ता है ना फिर आप लोगों का क्या भरोसा है आप मेरे इस हवाई जहाज को हवा में उड़ा दे तो अगर हमें ऐसा करना होता तो आपको जाने क्यों देते
फिर भी अब जब हम कह रहे हैं तो आपको चलना तो पड़ेगा ही ना, इसलिए कि जब हम पैसेंजर्स को छोड़ देंगे उस वक्त हम आपको अपने साथ रखेंगे, उस वक्त तक जब तक हम अपने घर नहीं पहुंच जाते। कुमार साहब, आपने तो हमारा इतना ख्याल रखा है, हमें भी तो मेहमान नवाजी का मौका दीजिए। चलिए। हेलो। हेलो। हाँ सर, सिमोन बोल रही हूँ। सर, वी हैव अ सिचुएशन। रशीद अपने साथ कुमार को भी लेकर गया है। व्हाट? क्यों? सर, एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द हॉस्टेजेस। सब्स्टिट्यूट फॉर द हॉस्टेजेस? आई नो, मेरी भी समझ में नहीं आ रही है। ओह, सिमोन। यस सर। तुम एक काम करो। सर। इमीडिएटली अब्दुल्ला को एक ईमेल कर दो कि कुमार खुद रशीद को लेकर निकल चुका है। ओके। सो प्लीज डोंट किल एनी मोर पैसेंजर्स। राइट अवे सर। तेरा मोबाइल ट्राई कर रहा हूं। विक्की, तू इस वक्त कहां है? मैं कवर होल्ड में हूं। यहां पे 5 टेररिस्ट थे टोटल, जिसमें से 2 को मैं मार चुका हूं, लेकिन अब उनको मेरे बारे में पता चल चुका है। ओके, विक्की, मेरी बात सुन। तू वहीं पे छुपा रहे। इन लोगों की सारी डिमांड्स मान ली गई है और इनके आदमी को रिहा कर दिया गया है। थोड़ी देर में वो लोग यहीं पे लैंड करेंगे। हमारे काउंटर टेररिस्ट यूनिट के चीफ मिस्टर कुमार खुद उसे लेकर आ रहे हैं। राजीव, यू कांट ट्रस्ट दिस पीपल। मुझे पता है उनकी डिमांड्स मिल चुकी है उनको, लेकिन वो फिर भी ऊपर हॉस्टेजेस को मार रहे हैं। सुन मेरी बात बहुत ध्यान से। तू किसी न किसी तरह वो काउंटर टेररिस्ट के आदमी को एक गन पकड़ा। हाँ। और उसको ये बता कि मैं जैसे ही उसको सिग्नल दूं, वो पास वाले टेररिस्ट को शूट करे। मगर विकी, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो? तू राजीव, बस किसी तरह उसको गन पकड़ा। ओके ओके विकी। अल्ताफ कहाँ है भाई? वो अभी तक वापस नहीं आया। अल्ताफ, तुम अभी तक नीचे क्या कर रहे हो? अल्ताफ तो गया ऊपर, यहां नीचे सिर्फ उसकी लाश पड़ी है। भिजवाऊं ऊपर? ये क्या किया तुमने? और अब पता नहीं वो क्या करेंगे। यहाँ पर तुम ये प्लान बना रहे हो और फोन पर क्या कह दिया तुमने? सारा, हमें ये नहीं पता कि राजीव उनको गन दे पाएगा भी या नहीं। हमें अपने प्लान के साथ ही जाना चाहिए। तुम्हें उन दोनों को रियर इकोनॉमी तक लाना ही होगा ताकि मैं आगे कॉकपिट तक पहुंच सकूं। और मेरे ख्याल से वहां 2 आदमी थे, लेकिन बाद में मुझे सिर्फ 1 ही आदमी देखा था। मैं जो कह रही हूं विक्रम मदान, मेंटेनेंस चीफ, चंडीगढ़ एयरपोर्ट। डेट ऑफ बर्थ 19th April 1976। आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू। मैं गैली से गुजर रहा था, बड़ी खूबसूरत बच्ची देखी। वेरी स्वीट स्माइल। बात करे तो और भी अच्छी लगती है।
बात करोगे? हाँ लो बात करो। पापा। प्रिया, प्रिया तुम ठीक हो? ऊपर आओ। क्या क्या हुआ प्रिया? विक्रम। इट्स ऑल। विक्रम। नो, इट्स नॉट ओवर। एक बार पहले भी तुम्हें ऐसे लगा ना जैसे सब खत्म हुआ और तुम्हारी बेटी तुम्हारी ताकत बनी। आज फिर वो वक्त आ गया है जब तुम्हें अपनी बेटी को अपनी ताकत बनाना होगा। विक्रम, जस्ट रिमेंबर, शी इज योर स्ट्रेंथ, शी इज नॉट योर वीकनेस। What nonsense? तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूं सर। I can't believe it. राजेश कुमार और अब्दुल्ला? Yes sir. I have positive confirmation from the chief of the cyber crime unit के अब्दुल्ला के द्वारा भेजी गई सारी emails कुमार के कंप्यूटर से भेजी गई हैं and there is no doubt about it. लेकिन वो सारे ईमेल्स तो कजाकिस्तान के किसी साइबर कैफे से भेजे गए थे। सर, मैंने बार बार अब्दुल्ला को जो भी ईमेल्स भेजी हैं, वो कुमार के कंप्यूटर पे बाउंस हो रही हैं ऑन हिज पर्सनल लैपटॉप। इसका मतलब राजेश कुमार रशीद के साथ जाना, ये भी उनकी चाल हो सकती है। डेफिनेटली सर। उन दोनों को उस पैसेंजर प्लेन पर चढ़ने नहीं देना चाहिए सर। मुझे नहीं लगता वो लोग पैसेंजर्स को छोड़ने का कोई इरादा रखते हैं। ओह माय गॉड, तुम एक काम करो सर, वहां के एटीसी चीफ को इन्फॉर्म करो कि उन दोनों को पैसेंजर प्लेन में ना चढ़ने दें। यस सर। हेलो। हेलो मिस्टर सिंह। यस, दिस इज सिमोन फ्रॉम द होम मिनिस्टर्स ऑफिस। प्लीज टेक केयर ऑल मिस्टर। रशीद और कुमार को उस प्लेन पर बिल्कुल चढ़ने मत देना। वो उन्हीं का आदमी है, उनसे मिला हुआ है। What? कुजी, get me राजीव अनुकूल quick है सर। राजीव, अभी राजीव। अब पता नहीं कौन सी चाल चल रहे हैं। सर, he's not responding. राजीव ऑनलाइन। इट्स टू लेट। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है भाईजान। ऐसे हालात में भी आप बिल्कुल नहीं बदले। मुन्ना, हालात हमें नहीं, हम हालात बदलते हैं। देखो, हमारे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इस चीफ इंजीनियर के किस्से को जल्दी से खत्म करो और यहां से निकल जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। बेटा, खुशामदीद मेंटेनेंस इंजीनियर साहब, आपने हमारे लोगों का काफी एंटरटेनमेंट किया। मिला, बहुत दिनों के बाद कोई मिला। लोगों के साथ मिला हुआ है, उस पर कभी भरोसा मत करना, उससे होशियार रहना। Isn't this all a game of opportunities? विक्रम,
सभी को मरना है, मगर तुम अपनी जिंदगी के हर दिन मरोगे ये जानकर कि तुम्हारी बेटी हमारे पास है। Thank you.
रशीद भाई, प्रॉमिस।